सर्कल के पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। आज हम पढ़ने जा रहे हैं एरिया ऑफ सेक्टर्स एंड सेगमेंट ऑफ अ सर्कल, यानी सर्कल के अंदर जो हमारे पार्ट्स बनते हैं, सेक्टर बनता है या सेगमेंट बनता है, वो किस टाइप से बनते हैं। तो सबसे पहले मैं सेक्टर के बारे में बताने जा रही हूँ आपको। तो सपोज कि आपके पास ये सर्कल है, इस सर्कल के अंदर अगर आप कोई टू रेडियस ले लेते हो, सपोज ये आपके पास सेंटर पॉइंट है, और अगर आप कोई टू रेडियस ले लेते हो, सपोज मैंने एक रेडियस ली यहाँ से ओ ए और दूसरे रेडियस मैंने यहाँ से ली ओ बी, तो रेडियस और उन रेडियस से रेडियस के कोरस्पॉन्डिंग जो आर्क है, ये मिलकर जो एरिया कवर करते हैं, इसे हम बोलते हैं सेगमेंट। क्या होगा, सॉरी, इसे हम बोलते हैं सेक्टर। ठीक है, ये वाला जो पार्ट है ये आपका क्या होगा, सेक्टर होगा। एंड इस टाइप से आपके टू सेक्टर बनते हैं, जो स्मॉल पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड माइनर सेक्टर। ये हमारा कौन सा सेक्टर होगा, माइनर सेक्टर। और जो बड़े वाला पार्ट होगा ये हमारा क्या हो जाएगा, मेजर सेक्टर। ठीक है, ये हमारे पास क्या बन जाएगा, मेजर सेक्टर। इस टाइप से टू सेक्टर बनेंगे। तो सेक्टर का एरिया कैसे फाइंड आउट करेंगे, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर, एरिया ऑफ सेक्टर दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। पाई आर स्क्वायर, पाई की वैल्यू आपको पता ही है 22/7, या फिर जो गिवन होगी आपको वो पुट करनी है। आर आपके पास गिवन होगी, थीटा आपके पास क्या होगा, जो दोनों रेडियस से यहाँ जो एंगल बनेगा वो आपका क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। ओके, सपोज कि किसी सम के अंदर आपको माइनर सेक्टर भी निकालना है और आपको मेजर सेक्टर भी निकालना है, तो आप एक काम कर सकते हो, वहां आप क्या कीजिए, पहले माइनर सेक्टर निकाल लीजिए। ओके, माइनर सेक्टर निकालने के बाद आप होल सर्कल का एरिया निकाल लीजिए। होल सर्कल के एरिया में से अगर आप माइनर को माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेजर आ जाएगा। ठीक है, ये था हमारा सेक्टर के बारे में। अब हम बात करते हैं बच्चों सेगमेंट के बारे में, कि सेगमेंट कैसे होगा। सपोज कि आपके पास एक सर्कल है, ये मैंने सर्कल बनाया, इस सर्कल के अंदर ये एक कोण ले ली मैंने ए बी। ठीक है, ये आपके पास कोण ए बी है, कोण ए बी जो होगी वो क्या कर रही है, सर्कल को टू पार्ट में डिवाइड कर रही है। टू पार्ट के अंदर जो ये नीचे वाला आपका पार्ट होगा दैट इज कॉल्ड सेगमेंट, एंड क्योंकि ये स्मॉल पार्ट है तो इसे हम बोलेंगे माइनर सेगमेंट। ये आपका हो जाएगा माइनर सेगमेंट, और जो बचा हुआ पार्ट होगा ये आपका हो जाएगा बच्चे मेजर सेगमेंट। ठीक है, ये हमारे पास सेगमेंट के बारे में। तो सेगमेंट के अंदर क्या होगा, सपोज आपके पास यहाँ पे सेंटर पॉइंट है O और इसे हम ज्वाइन कर देंगे, तो यहाँ पे जो आपका एंगल बनेगा ये आपका एंगल क्या हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। तो एरिया ऑफ सेगमेंट कैसे फाइंड आउट करोगे, नाउ एरिया ऑफ सेगमेंट दैट इज इक्वल टू आपके पास हो जाएगा फॉर्मूला पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा। ठीक है, ये आपका शॉर्टकट फॉर्मूला है जिसे आप यूज कर सकते हो। अगर आप इसको लॉन्ग मेथड से करना चाहते हो तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप क्या करो, एरिया ऑफ सेक्टर निकाल लो। ठीक है, नाउ एरिया ऑफ सेक्टर निकालने के बाद आप क्या करो, एरिया ऑफ ट्रायंगल भी निकालोगे। देन आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सेक्टर में से एरिया ऑफ ट्रायंगल को माइनस करोगे तो आपके पास आ जाएगा एरिया ऑफ माइनर सेक्टर, या फिर आप डायरेक्टली ये शॉर्ट फॉर्मूला भी लगा सकते हो। इसी के साथ सपोज आपको मेजर सेगमेंट का एरिया निकालना है तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप निकालोगे एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल यानी कि पाई आर स्क्वायर। देन आप क्या करोगे, एरिया ऑफ सर्कल में से माइनर जो हमारा सेगमेंट है उसे आप माइनस करोगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, मेजर सेगमेंट का एरिया आ जाएगा। ओके बेटा, नाउ स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 12.2। क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द एरिया ऑफ सेक्टर ऑफ अ सर्कल विद रेडियस 6 सेंटीमीटर इफ एंगल ऑफ द सेक्टर इज 60 डिग्री। आपके पास फॉर्मूला में जो भी आपको चाहिए सब कुछ है आपके पास। नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जो राइट हियर, रेडियस, रेडियस इक्वल टू 6 सेंटीमीटर, एंगल यानी थीटा जो आपको दे रखा है विच इज इक्वल टू 60 डिग्री, और आपको फाइंड करना है एरिया ऑफ सेक्टर। एंड वी नो दैट एरिया ऑफ सेक्टर इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री। सॉल्व कर देंगे इसे, पाई की वैल्यू पुट करेंगे 22/7, आर आपके पास हो जाएगा 6 × 6, थीटा आपके पास हो जाएगा 60 डिग्री डिवाइडेड बाय आपके पास क्या आ जाएगा,
360 डिग्री। सोल्व कर देंगे इसे, जीरो से जीरो कैंसिल हो जाएगा, सिक्स वन जा सिक्स, सिक्स सिक्स जा 36, सिक्स से ये वाला सिक्स भी कैंसिल हो जाएगा, आपके पास आ जाएगा यहाँ पे 22 को सिक्स से मल्टीप्लाई करोगे, सिक्स टू जा 12, सिक्स टू जा 12 एंड 13, यानी 132/7 स्क्वायर सेंटीमीटर। आप इसको सोल्व करके डेसिमल में भी कन्वर्ट कर सकते हो या फिर फ्रैक्शन में, मिक्स फ्रैक्शन में भी कन्वर्ट कर सकते हो, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर वन। सेकेंड करेंगे, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ अ सर्कल हूज सर्कमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। नाउ व्हाट इज क्वाड्रेंट, क्वाड्रेंट क्या होगा, क्वाड्रेंट इज कॉल्ड द फोर्थ पार्ट ऑफ द सर्कल। जो क्वाड्रेंट होगा, जैसे हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के अंदर क्वाड्रेंट पढ़ते हैं, उसमें हमारे कितने क्वाड्रेंट होते हैं, फोर होते हैं ना, सेम सर्कल के अंदर भी हमारे पास जो क्वाड्रेंट होते हैं वो कितने होंगे, फोर। या फिर हम ये कह सकते हैं कि क्वाड्रेंट इज द फोर्थ पार्ट ऑफ सर्कल। तो अगर हम इस फोर्थ पार्ट की बात करें तो ये हमारा फोर्थ पार्ट है। आप इस सम को दो तरीके से कर सकते हो, आप इस क्वाड्रेंट को सेक्टर बनाकर भी कर सकते हो या फिर आप क्वाड्रेंट का डायरेक्ट फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। बिकॉज क्वाड्रेंट इज फोर्थ पार्ट, एरिया ऑफ सर्कल इक्वल टू पाई आर स्क्वायर। अगर हम इसके फोर्थ पार्ट की बात करेंगे तो क्या हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर बाय में फोर हो जाएगा। तो आप दोनों तरीके से कर सकते हो। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए, चाहे हम सेक्टर का फॉर्मूला लगाएं चाहे हम क्वाड्रेंट का फॉर्मूला लगाएं, हमें नीड है रेडियस की एंड इट इज गिवन सर्कमफेरेंस। तो सबसे पहले हम क्या लिखेंगे, नाउ सर्कमफेरेंस इज इक्वल टू 22 सेंटीमीटर एंड वी नो दैट सर्कमफेरेंस इक्वल टू 2πr इक्वल टू 22, पाई की वैल्यू आप पुट कर दोगे 22/7 मल्टीप्लाई आर, दैट इज इक्वल टू 22। नाउ आर इज इक्वल टू 22 मल्टीप्लाई, ये नंबर इधर जाकर रेसिप्रोकल हो जाएंगे 1/2 और ये आपके पास बन जाएगा 7/22। 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा, नाउ आर आपके पास कितना आ जाएगा, 7/2। अब आपके पास आर आ चुकी है, ठीक है। अगर हम सेक्टर के अकॉर्डिंग निकालना चाहते हैं तो हमें एंगल लेना पड़ेगा यहाँ पे 90 डिग्री, ठीक है। तो सेक्टर के फॉर्मूला लगा सकते हैं, थीटा क्या हो जाएगा 90 और रेडियस क्या हो जाएगी 7/2। और डायरेक्टली आप क्वाड्रेंट का एरिया निकालना चाहते हो, एरिया ऑफ क्वाड्रेंट, तो आपके पास ये बन जाएगा बच्चे पाई आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय 4। पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी 22/7, आर कितनी है हमारे पास 7/2 एंड नीचे हमारे पास क्या पड़ा है 4। 7 से 7 कैंसिल हो जाएगा, 2 1 2 ये आपके पास 11 आ जाएगा, 11 7 77, नीचे आपके पास आ जाएगा 2 4 8 स्क्वायर सेंटीमीटर, ठीक है। ये आपका क्वेश्चन नंबर सेकंड। नेक्स्ट करते हैं थर्ड, द लेंथ ऑफ अ मिनट हैंड ऑफ अ क्लॉक इज 14 सेंटीमीटर। एक मिनट हैंड क्लॉक की जो मिनट हैंड है उसकी जो लेंथ है वो हमारे पास है 14 सेंटीमीटर। मीन्स वो सर्कल के अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो वो बात करेगी, काम करेगी रेडियस का। नाउ रेडियस इक्वल टू आपके पास क्या हो गया 14 सेंटीमीटर। फाइंड द एरिया स्वेप्ट बाय द मिनट हैंड इन 5 मिनट्स। ये कह रहे हैं कि जो मिनट हैंड है वो 5 मिनट के अंदर कितना एरिया स्वेप्ट करेगी। मान लो कि 5 मिनट में ये जो मिनट हैंड है वो यहाँ से यहाँ पहुँच गई, तो आपको क्या करना है, ये एरिया बताना है। तो ये एरिया अकॉर्डिंग टू सर्कल ये क्या काम करेगा, एक सेक्टर का, यानी कि आपको क्या निकालना है, सेक्टर का एरिया निकालना है, ठीक है। तो सेक्टर का एरिया निकालने के लिए हमें क्या चाहिए, हमें रेडियस चाहिए और हमें थीटा चाहिए। तो रेडियस तो है हमारे पास 14 सेंटीमीटर, जो मिनट हैंड की जो लेंथ है वो क्या काम करेगी, रेडियस का। फिर हम बात करते हैं थीटा की, थीटा कैसे लाया जाए। तो मिनट हैंड जो है जब वो पूरा घूमती है, सपोज के यहाँ से स्टार्ट हुई, यहाँ से वो स्टार्ट हो रही है, तो पूरा जब घूमती है तो वो 360 डिग्री का एंगल बनाती है। जब वो पूरा घूमेगी यानी कि 60 मिनट में 360 डिग्री का एंगल बनाएगी, हमें कितने मिनट में बताना है, 5 मिनट में। नाउ जो राइट हियर, एंगल मेड इन 60 मिनट दैट इज इक्वल टू 360 डिग्री, एंगल मेड इन 1 मिनट, 1 मिनट में कितना बनेगा 360 बाय में 60, और हमें कितने मिनट के लिए निकालना है, 5 मिनट के लिए। तो 5 मिनट में कितना हो जाएगा, 360 बाय 60 मल्टीप्लाई 5 हो जाएगा, 0 से 0 कैंसिल करोगे, 6 6 36, 6 5 30, यानी कि जो आपके पास थीटा है वो किसके इक्वल आ जाएगा, 30 डिग्री। नाउ जो राइट है,
थीटा इक्वल टू 30 डिग्री एंड रेडियस इक्वल टू 14 सेंटीमीटर देन यू फाइंड एरिया जो राइट हियर एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड एरिया स्वेप्ट बाय मिनट हैंड इन 5 मिनट्स इन 5 मिनट्स फॉर्मूला क्या लगा दोगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 तो आपके पास आर भी है थीटा भी है वैल्यूज को पुट करोगे और फाइंड कर लोगे ओके ये आपका क्वेश्चन नंबर थर्ड नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फोर के अंदर क्या दिया गया है अ कोण ऑफ अ सर्कल ऑफ रेडियस 10 सेंटीमीटर सबटेंड्स अ राइट एंगल एट द सेंटर ये कह रहे हैं कि एक सर्कल की एक कोण है सपोज हमने ये सर्कल लिया यहां से हमने क्या किया एक एबी कोण ले ली ठीक है सर्कल की एक एबी कोण है ये क्या कर रही है सेंटर के ऊपर राइट एंगल बना रही है सपोज मैंने यहाँ पे वो सेंटर ले लिया तो सेंटर के ऊपर कितने डिग्री का एंगल बना रहा है राइट एंगल बन रहा है नाउ फाइंड द एरिया ऑफ द कोरस्पोंडिंग माइनर सेगमेंट हमें क्या करना है माइनर सेगमेंट का एरिया निकालना है ये वाला एरिया निकालना है ठीक है नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल यू राइट हियर फर्स्ट पार्ट में एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट तो मैंने आपको शॉर्टकट फॉर्मूला बताया था वही लगाएंगे पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री माइनस 1/2 आर स्क्वायर साइन थीटा ठीक है यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे आपके पास आ जाएगा पाई की वैल्यू हमें दे रखी है इन्होंने 3.14 दे रखी है तो 3.14 ही पुट करोगे तो ये आपके पास बन जाएगा 3.14 मल्टीप्लाई रेडियस कितना है हमारे पास 10 सेंटीमीटर तो पुट कर दोगे 10 मल्टीप्लाई 10 थीटा आपके पास है 90 डिग्री डिवाइडेड बाय 360 डेसिमल को हटाओगे तो नीचे आपके पास क्या लग जाएगा 100 माइनस 1/2 आर स्क्वायर आर आपके पास कितनी है 10 है 10 मल्टीप्लाई 10 साइन थीटा यानी कि साइन क्या आ जाएगा 90 डिग्री सोल्व कर देंगे इसे 0 से 0 कैंसिल 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा अगेन 0 से 0 कैंसिल 9 4 36 2 2 4 2 1 2 2 5 10 2 7 14 तो ये आपके पास बनेगा 157/2 माइनस इसे सोल्व करोगे 2 5 10 साइन 90 की वैल्यू आपके पास होती है 1 ठीक है तो 1 को आप 50 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये क्या बनेगा आपका 50 ही बनेगा जिसे हम राइट कर सकते हैं 50/1 एलसीएम ले लोगे 2 आ जाएगा आपके पास तो ये बनेगा आपका 157 माइनस 100 दैट इज इक्वल टू 57/2 सोल्व करोगे 2 1 2 2 2 4 2 8 16 2 5 10 तो ये आपके पास बनेगा 28.5 स्क्वायर सेंटीमीटर दैट इज द एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट ठीक है इसी का सेकेंड पार्ट भी हम कंप्लीट कर लेते हैं सेकेंड में हमें करना है एरिया ऑफ मेजर सेक्टर अगर हम इस फिगर के अंदर ध्यान से देखें तो ये जो पार्ट है ये हमारा माइनर सेक्टर है ठीक है तो मैंने आपको दो चीजें बताई थी कि अगर आपको मेजर निकालना हो तो आप क्या कर सकते हो माइनर निकाल के अब क्या करो टोटल जो एरिया ऑफ सर्कल है उसमें से आप माइनर को माइनस करोगे तो मेजर आ जाएगा लेकिन डायरेक्ट अगर मेजर आ जाता है फिर तो काफी लेंथी हो जाएगा वो वाला मेथड तो अब आप यहाँ पे क्या कर सकते हो यहाँ पे रेडियस तो देखो सेम ही है रेडियस तो उतनी रहेगी एंगल आपका चेंज हो जाएगा कैसे बिकॉज यहाँ पे जो टोटल एंगल होता है वो हमारा 360 डिग्री होता है जिसमें से ये 90 है आपका तो आपको मेजर सेक्टर निकालना है तो आप क्या करो 360 डिग्री में से 90 डिग्री माइनस करोगे तो आपके पास बचेगा 270 डिग्री तो आप क्या करो थीटा को 270 डिग्री लेकर और रेडियस को 10 लेकर आप क्या निकाल सकते हो एरिया ऑफ मेजर सेक्टर नाउ यू राइट हियर थीटा इक्वल टू 270 डिग्री रेडियस इक्वल टू 10 सेंटीमीटर नाउ यू राइट हियर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर एरिया ऑफ मेजर सेक्टर दैट इज इक्वल टू पाई आर स्क्वायर थीटा अपॉन 360 डिग्री नाउ 22/7 आर आपके पास कितना है 10 है सॉरी 22/7 नहीं पुट करना है आपको 3.14 करना है मल्टीप्लाई 10 देन थीटा इक्वल टू 270 डिवाइडेड बाय 360 डेसिमल को हटाओगे तो नीचे आपके पास क्या लग जाएगा 100 लग जाएगा सॉल्व कीजिए इसको 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा अगेन 0 से 0 कैंसिल 9 3 27 9 4 36 2 2 4 ये आपका कटेगा 157 पे
देन 157 को 3 से मल्टीप्लाई करके 2 से डिवाइड करोगे, ये आपका आ जाएगा एरिया ऑफ मेजर सेक्टर। ठीक है बेटे, ये था आपका क्वेश्चन नंबर 4। फिफ्थ आप खुद ट्राई करोगे। तो आज आपने क्वेश्चन नंबर 1 to 5 करने हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हो। ओके बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। बाय बाय, टेक केयर।